खुर्सीपार थाना पुलिस ने लोहा व्यापारी को लाखों रुपए की चपत लगाकर फरार हुए आरोपी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रदीप दुबे गिरफ्तारी से बचने भिलाई 3 स्थित निवास को छोड़कर गोरखपुर में छुपा हुआ था। खुर्सीपार स्थित दिनोदिया इस्पात के संचालक मुकेश अग्रवाल के संस्थान में एजेंट के रूप में कार्यरत भिलाई 3 निवासी प्रदीप दुबे ने संचालक को 6,21,000 रुपए की चपत लगाई थी। प्रार्थी ने आरोपी प्रदीप दुबे को 10,00,000 रुपए देकर आयरन एंड स्टील खरीदने हैदराबाद भेजा था। आरोपी ने 3,78,000 रुपए की खरीदी की, शेष रकम को लेकर फरार हो गया। प्रार्थी द्वारा मामले की रिपोर्ट थाना खुर्सीपार में दर्ज कराई गई। एसपी अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन, एएसपी संजय ध्रुव के निर्देशन में थाना प्रभारी खुर्सीपार दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में थाने की टीम द्वारा आरोपी के भिलाई 3 स्थित निवास में दबिश दी गई, जहां से आरोपी प्रदीप दुबे फरार हो गया। फरार आरोपी को पुलिस द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए गोरखपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले की जानकारी खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। एक 406 APC का मुकदमा दर्ज किया हुआ था, जिसमें मुकेश अग्रवाल जी प्रार्थी हैं और इनकी रिपोर्ट पर अमानत में खयानत का मामला इनके जो एम्प्लॉय प्रदीप दुबे उनके विरुद्ध में किया गया था। इसमें प्रदीप दुबे के द्वारा इनके जो कंपनी का पैसा है, करीब 6,00,000 के आसपास का पैसा है, रुपये है, इतने पैसे लेकर फरार हो गया था और अपने सकूनत पे नहीं था। लगातार इसके लिए पता तलाश किया जा रहा था, परंतु कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। अभी इन्फॉर्मेशन मिलने पर पता चला कि गोरखपुर UP में ये कहीं पर अपने रिश्तेदार के यहाँ की सूचना पर टीम रवाना की गई थी, जो टीम को सफलता मिली और सही सलामत तरीके से वहाँ पर आरोपी प्रदीप दुबे को पकड़ लिया गया। पकड़ के लाने के बाद में विधि संगत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर मामलेदार प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें रिमांड को लिया गया। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक शिशुपाल चंद्रवंशी, आरक्षक दीपक सिंह की उल्लेखनीय भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।